दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इमोजीज कीबोर्ड की मदद से हम अपने फ्लिपाक्लिप में बैकग्राउंड को कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें इमोजीज कीबोर्ड को इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद इन इमोजीज को अपने कीबोर्ड में ऐड कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों हम फ्लिपाक्लिप को ओपन कर लेंगे।